तमाई जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे उत्तर प्रदेश में? अखिलेश जी तो कह रहे हैं 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, तो कितने दे रहे हैं कांग्रेस को? नाविका मैम, ये जो राष्ट्रीय दुख जो आपको है कि सीटें कितनी किसको मिलेंगी नहीं मिलेंगी, मैं चाहूँ निवेदन करता हूँ कि आप इससे मुक्त हो जाइए। और सीटें क्या होंगी क्या नहीं होंगी, गठबंधन पहले होगा गठबंधन बाद में होगा, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के बारे में जानती हैं कि माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी भी इस देश की फैशिस्ट सांप्रदायिक शक्तियों से कोई समझौता नहीं किया। और जब भी यूपीए 1 में यूपीए 2 में जब जरूरत पड़ी, एक कॉमन मिनिमम टर्म के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दिया। और उसके हमारे सामने दो नजीर सामने हैं, एक यूपीए 1 की सरकार है जिसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी शामिल थे, समाजवादी पार्टी शामिल थी। इस देश को क्या फायदा हुआ? इस देश को फायदा हुआ कि उनको आरटीआई मिला, उनको लैंड एक्विजिशन एक्ट मिला, आज जो करोड़ों लोगों को राशन मिलता है, फूड सिक्योरिटी का बिल आया। इस देश के किसानों के लिए लेफ्ट ने, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को फोर्स किया कि आप लैंड एक्विजिशन एक्ट में आप उनकी मदद करिए। और गांव का जो हमारा ग्रामीण भारत है उसके लिए एनआरएजीए का एक एक्ट आया जिसके तहत रोजगार गारंटी का कानून आया। एक तो ये नजीर है जो समाजवादी पार्टी के साथ थी, दूसरी नजीर है एनडीए की सरकार। 2014 से आप आ जाइए 23 में, नरेंद्र मोदी की जो पूरी इमेज है इस देश में सबसे बदनाम प्रधानमंत्रियों में हुई है कि इन्होंने तो कॉरपोरेट जो पैदल सेना बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोचिए कि इस देश में फार्म बिल के मामले में किसानों के साथ विश्वासघात, 2 करोड़ जो नौजवानों के साथ वादा था रोजगार का, निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में बोला युवाओं के साथ विश्वासघात। इस देश में महिलाएं 33% आरक्षण, आपको याद है नाविका जी, आप बहुत समर्थन करती थी। आप आरक्षण की बात जो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात तो ना ही करें, क्योंकि हर बार समाजवादी पार्टी ने वो वाले बिल फाड़े हैं और मैं पार्लियामेंट में रही। लेकिन अमीक जमाई जी, मुझे बड़े दुख के साथ एक बात कहनी पड़ती है कि आप कह रहे हैं राष्ट्रीय दुख है मेरा, आप राष्ट्रीय दुख और राष्ट्रीय कर्तव्य में कोई फर्क नहीं समझते। मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है जानना कि क्या ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी है और क्या सत्ता पक्ष की स्ट्रेटजी है। मैं रिपोर्टिंग करती रही हूं और करती रहूंगी, आपको अच्छा लगे या ना लगे ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पद पे अग्रसर रहूंगी। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, अमीक जमाई जी अखिलेश यादव के बयान पर तो कुछ बोले नहीं, गिनाने लग गए 2004 से 2009 में क्या हुआ। ये जो फ्लैशबैक जब लोगों को आने लग जाता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और इनको राष्ट्रीय दुख और राष्ट्रीय कर्तव्य एक पत्रकार में कोई फर्क ही नहीं पता। क्या आप समझते मैंने गलत सवाल पूछा अगर मैं पूछ रही हूँ? नविका जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है आपसे, उन्होंने कहा भी तो कौन सा सवाल कहा, महिला आरक्षण, आप कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं। कौन कह रहा था कि महिलाओं को देखकर क्या करेंगे, सीटी बजाएंगे, क्या करेंगे, कैसा माहौल होगा, कौन कह रहा था? अब उनका भी नाम टीवी पर लेना चाहिए क्या? अब नहीं लेना चाहिए, आज की बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। मुझे लगता है कि ये बड़ा विचित्र तरीका हो गया है कि राजनीतिक दलों को अपनी जमीन नहीं मिल रही है, राजनीतिक दल जनता के साथ अपना कोई भरोसे का कार्यक्रम नहीं चला पाते हैं, तो उनको एक तरीका सूझता है कि सीधे मीडिया पर हमला कर दो सीधे। ये राष्ट्रीय दुख नहीं है, मुझे लगता है कि इस देश में हर व्यक्ति जानना चाहता है कि अगर इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं और मोदी को हराना इतना जरूरी है तो भैया कैसे लड़ोगे, क्या करोगे, कौन सा समझौता होगा, और ये जानना हर मीडिया की जिम्मेदारी में शामिल है। अगला प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है? मुझे लगता है कि अमीक जमाई जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप बड़े दुखी रहते हैं, आपका दुख बड़ा भयानक है कि कहीं भी बोलना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा तो सभ्यता रखिए, थोड़ा तो सभ्यता से रहिए, आप बोलते बीच में बहुत है, आपके बीच में तो कोई नहीं बोला, थोड़ा दुखी आप ही है, इतना दुख मत रखिए जीवन, अरे बजरंग दल दुख कम करिए, मैं चुप होता हूं, आप बोलिए, आप इतना जोश में क्यों रहते हैं? कमाल है,
आप चाहते हैं कि सब बेहोश रहे, के नाम पे जोश ना हो, कौन कहेगा इस देश में जोश ना हो, आप चाहते हैं सब बेहोश हो जाएं। आप अखिलेश जी जो कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा 80 में से 80 सीटें आएंगी, लेकिन अजय आलोक जी, अखिलेश जी कह रहे हैं 80 में से 80 सीटें आएंगी। तंज अमीक जमाई मुझ पर कस रहे हैं, अरे कस लीजिए, कई पार्टियां आई, कई पार्टियां गई, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, मैंने तब से अपनी पत्रकारिता की है, तब से अपनी पत्रकारिता की है जब नरसिम्हा राव जी की सरकार होती थी, तो कई पार्टियां आई, कई गए, कई गठबंधन बने, कई टूटे, तो मुझे आप मेरा कर्तव्य ना बताएं, आप अपना देखिए कि कहां से फेविकॉल मिलेगा। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी फेविकॉल सोर्स करने में जस्ट कम समय लग रहा है इनको, और हमें कह रहे हैं हम कन्फ्रंटेशन करा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला से हमने बुलवाया, अखिलेश यादव जी से हमने बुलवाया, अधीर रंजन चौधरी से क्या हमने बुलवाया, तृणमूल कांग्रेस जो कह रही है वो क्या हमने बुलवाया? ये क्यों सिर्फ पत्रकारों पर पीछे पड़ जाते हैं, ये बात आज तक समझ में नहीं आई। अजय भाई समर्थन अभिषेक जी, देखिए जब व्याकुल भारत लोग बनते हैं ना तो इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। अजय भाई से आपको समर्थन चाहिए? नहीं, जब व्याकुल भारत लोग बन जाते हैं तो इसी तरह की व्यथा निकल के आती है। अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, आपको सही में प्रॉब्लम है। देखिए व्याकुलता कितनी आगे बढ़ी हुई है, अभी प्रधानमंत्री को कुछ कुछ बोल के सुशोभित कर रहे हैं। भारत की मीडिया को भारतीय जनता पार्टी से समर्थन देना पड़े, सिर्फ दो शब्द का फर्क है, शोभा नहीं देता है। सुनिए, जब बेटा अपने बाप को अपमानित करे ना तो उसे कहते हैं बदनाम होना, ठीक है ना। जब देश प्रदेश का एक मुख्यमंत्री कहे ना कि रेप की घटना हो जाती है, लड़कों से ऐसी गलती हो जाती है, उसे कहते हैं बदनाम करना। देखिए आलोक जी, बदनाम में कितना अंतर है।